आप सभी को मेरा नमस्कार। आपने पिछली वीडियो में ईस्ट इंडिया कंपनी, जोसेफ बोर्डन, होरेस हेमन विल्सन और मोनियर विलियम्स के विषय में प्रमाण सहित जाना था कि ये लोग कोई संस्कृत प्रेमी स्कॉलर नहीं, अपितु भारत को पूरी तरह से क्रिश्चनाइज करने के एजेंडा के साथ काम करने वाले लोग थे। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। इस वीडियो के पश्चात उसे भी देख लीजिएगा। पर इन सब के अतिरिक्त एक व्यक्ति है जिसे एक महान संस्कृत प्रेमी और विद्वान कहा जाता है, फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर। क्या वह वास्तव में संस्कृत प्रेमी और विद्वान था? और अगर हाँ, तो क्यों राष्ट्रवादी लोग उसका विरोध करते आए हैं? इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज कई भ्रम टूटने वाले हैं, पर पहले तनिक फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर का हल्का सा इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए। चैप्टर 1, इंट्रोड्यूसिंग मैक्स म्यूलर द दोस्त। वैसे तो मैक्स म्यूलर को इंट्रोड्यूस करवाने की आवश्यकता नहीं है, पर थोड़ा उसका संस्कृत प्रेम जान लेना चाहिए। फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर की बुक लेक्चर्स ऑन द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ रिलीजन के पेज 150 पर लिखा है, द साइंस ऑफ फनेटिक्स अरोज इन इंडिया एट अ टाइम व्हेन राइटिंग वाज अननोन इन ग्रामर। आई चैलेंज एनी स्कॉलर टू प्रोड्यूस फ्रॉम एनी लैंग्वेज अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल द फैक्ट्स ऑफ अ लैंग्वेज देन वी फाइंड इन पाणिनीज सूत्रास। तो देखा, मैक्स म्यूलर पाणिनि की प्रशंसा करने वाला, संस्कृत को प्राचीन मानने वाला संस्कृत प्रेमी ही था। बट इट्स अ बिग बट। कोई अवधारणा बनाने से पहले मैक्स म्यूलर को हर पक्ष से टटोल लेते हैं। शुरू करते हैं उसके ओरिजिन से। डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी कहती है कि म्यूलर का जन्म 1823 में जर्मनी में हुआ था और इनिशियली वह म्यूजिक को अपना पेशा बनाना चाहता था, पर लिप्जिंग में अध्ययन करते समय पियानिस्ट मेंडलसॉन से उसकी भेंट हुई, जिसने म्यूलर को म्यूजिक के पद से हटा दिया। म्यूलर ने तब क्लासिकल लैंग्वेजेस का अध्ययन चुना। 1841 में वह लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ। प्रोफेसर हरमन ब्रॉकलॉस ने उसे संस्कृत की ओर मोड़ दिया। 1845 में म्यूलर पेरिस आया, जहां उसने ऋग्वेद के सायण भाष्य की मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी करने का काम किया। अब इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, All this time he was entirely dependent on his own exertions for a living, having a hard struggle to maintain himself by copying manuscripts and assisting scholars in other ways. मतलब मैक्स म्यूलर की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं थी। तब 1846 में म्यूलर की भेंट प्रूजियन डिप्लोमेट बैरन बुनसन से हुई। बुनसन और होरेस हेमन विल्सन ने ही ऋग्वेद के ट्रांसलेशन के कार्य के लिए म्यूलर को ईस्ट इंडिया कंपनी के समक्ष रिकमेंड किया। वही होरेस हेमन विल्सन जो भारतीयों का क्रिश्चियनाइजेशन चाहता था, उसने मात्र 24 साल के मैक्स म्यूलर को ऋग्वेद का ट्रांसलेशन करने का काम दिलाया, वह भी केवल सायणाचार्य के भाष्य से, जबकि उस समय भी स्कंद स्वामी, हस्तमलक, वेंकट माधव, भट्ट भास्कर, लक्ष्मण, आनंद तीर्थ, आत्मानंद, भट्ट गोविंद इत्यादि के भी ऋग्वेद पर भाष्य उपलब्ध थे। पर यहाँ म्यूलर का कोई दोष या कमी दिखाई नहीं पड़ती। क्या पता वह भी एच विल्सन की चतुराई का शिकार हो गया हो। इसलिए अब देखते हैं चैप्टर 2, ट्रांसलेशन ऑफ वेदास अ जोक। ऋग्वेद के ट्रांसलेशन का कार्य मिलते ही मैक्स म्यूलर की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। आखिरकार गरीबी के दिन जाने वाले थे। द लाइफ एंड लेटर्स ऑफ फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर के पेज 64 पर म्यूलर का अपनी माता को लिखा पत्र है। यहाँ देखिए, एट लास्ट द लॉन्ग कन्फ्लिक्ट इज डिसाइडेड एंड आई हैव कैरिड ऑफ सो टू स्पीक द प्राइज। I am to hand over to the company ready for press 50 sheets each year, the same I had promised to Semter in Germany. For this I have asked 200 pounds sterling, 4 pounds a sheet. The work is really so light I could take another post with it. तो 24 वर्षीय मैक्स म्यूलर को वेदास का ट्रांसलेशन हल्का फुल्का काम लगता था। प्रसिद्ध जर्मन फिलोसोफर आर्थर शोपेनहावर ने प्रेरगा एंड पैरालिपोमेना में लिखा था, I am inclined to suspect that perhaps our Sanskrit scholars do not understand their text any better than do the fifth form boys of our own school their Greek text. कोई नहीं, शायद मैक्स म्यूलर जवानी के जोश में और पैसों की खनक में कुछ भी बोल गया होगा। पर मैक्स म्यूलर की बुक लेक्चर्स ऑन द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ रिलीजन के पेज 236 पर लिखा है, द ग्रेट डिफिकल्टी इन ऑल डिस्कशन ऑफ दिस काइंड अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट वी हैव टू ट्रांसफ्यूज थॉट्स फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न फॉर्म्स, इन दैट प्रोसेस सम वायलेंस इज इनएविटेबल, ऑल वी कैन डू इज टू फाइंड इफ पॉसिबल द ओरिजिनल फोकस ऑफ द थॉट एंड देन टू फॉलो द वेरियस डायरेक्शंस टेकन बाय द रेज दैट प्रोसीडेड फ्रॉम इट, दिस इज व्हाट आई हैव डन, आई मे सीम टू हैव पुट अ न्यू गारमेंट अपॉन एन ओल्ड. All I can see is that I see no other way unless we all agree to speak not only Sanskrit but Vedic Sanskrit.
तो क्या मैक्स मिलर यहाँ कहना चाह रहा है कि वैदिक संस्कृत के ज्ञान के अभाव में उसने मन से अर्थ कर दिए हैं? पर मेरा अनुमान आप क्यों मानोगे और मानना भी नहीं चाहिए। तो अब प्रमाण देखते हैं। ऋग्वेद के सायण भाष्य में प्रथम मंडल के सूक्त 6 का प्रथम मंत्र देखिए। यहाँ ब्रह्म से सूर्य अर्थ लिया गया है। अब म्यूलर के ऋग्वेद संहिता में यही मंत्र देखिए। दोज वो स्टैंड अराउंड हिम व्हाइल ही मूव्स ऑन हार्नेस द ब्राइट रेड स्टीड। तो सूर्य का स्थान स्टीड ने ले लिया। स्टीड का अर्थ होता है सवारी योग्य घोड़ा। तो म्यूलर ने तो सायणाचार्य की भी अवहेलना ही कर दी और मनमाने ट्रांसलेशन ही करे। पर इसका कारण क्या हो सकता है? तो अब देखते हैं चैप्टर 3, म्यूलर अ कंफ्यूज्ड स्कॉलर। आप सभी जानते हैं कि मैक्स म्यूलर ने वेदों को 1500 BC से 1200 BC के मध्य की रचना बताया था, पर समकालीन ऑथर मॉरिस ब्लूमफील्ड, जो स्वयं PhD थे, अपनी बुक द रिलीजन ऑफ वेदा के पेज 20 पर लिखते हैं, वी मस्ट नॉट बी बिगल्ड बाय दैट काइंड ऑफ कंजर्वेटिज्म व्हिच मियरली सर्व्स द कंसाइंस इनटू थिंकिंग दैट देयर इज बेटर प्रूफ फॉर एनी लेटर डेट्स सच एज 1500, 1200 और 1000 BC रादर देन द अर्लियर डेट ऑफ 2000 BC। वंस मोर फ्रेंकली वी डू नॉट नो। यह मॉरिस ब्लूमफील्ड स्पष्ट तौर पर वेदास की डेटिंग में विश्व की असमर्थता का प्रदर्शन कर रहे हैं। मैक्स म्यूलर ने स्वयं अपनी पुस्तक फिजिकल रीजन के पेज 91 पर कहा है, वेदर द वैदिक हाइम्स वर कंपोज 1000 और 1500 और 2000 और 3000 ईयर्स BC, नो पावर ऑन अर्थ विल एवर डिटरमाइन। तो मैक्स म्यूलर अपनी बात स्वयं क्यों काट रहा है? कोई नहीं, गलतियां तो सबसे होती हैं। द सेक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट के वॉल्यूम 32 के इंट्रोडक्शन के पेज 11 पर म्यूलर कहता है, अ ट्रांसलेशन ऑफ ऋग्वेदा इज अ टास्क फॉर द नेक्स्ट सेंचुरी। नो वन फील्स दिस मोर स्ट्रॉन्गली देन आई डू। Not only shall we have to wait till the next century for such a work, but I doubt whether we shall ever obtain it. In some cases, the text is so corrupt that no conjectural criticism will restore, no power of divination interpret it. In other cases, verses and phrases seem to have been jumbled together by the later writers in most thoughtless manner. मैक्स म्यूलर साफ साफ कह रहा है कि वेदों का ट्रांसलेशन शायद कभी भी किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि कई जगह टेक्स्ट करप्टेड है और कई जगह तो मंत्र इत्यादि बिल्कुल अव्यवस्थित किए जा चुके हैं। लेकिन मैक्स म्यूलर की पुस्तक लेक्चर्स ऑन द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ रिलीजन के पेज 167 पर लिखा है, दीज एक्सट्रैक्ट्स विल शो व्हाट कैन बी डन बाय मेमोरी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ एन एंशिएंट लिटरेचर्स। द टेक्स्ट ऑफ द वेदा हैव बीन हैंडेड डाउन टू अस विद सच एक्यूरेसी दैट देयर इज हार्डली अ वेरियस रीडिंग इन द प्रॉपर सेंस ऑफ द वर्ड और इवन एन अनसर्टेन एक्सेंट इन द होल ऑफ द ऋग्वेदा। There are corruptions in the text which can be discovered by critical investigation. यहाँ मैक्स म्यूलर कहता है कि वेद हम तक परफेक्टली पहुँचे हैं, इवन उच्चारण के स्तर तक उनमें कोई त्रुटि नहीं है। कुछ टेक्स्ट में त्रुटि है जिन्हें इजीली डिस्कवर किया जा सकता है। तो मैक्स म्यूलर इतना कंफ्यूज्ड क्यों था? इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस बाय फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर नामक पुस्तक के अनुसार म्यूलर वेदों को पॉलीथीस्टिक बताता है, पर यह पॉलीथिज्म ग्रीक्स के पॉलीथिज्म से अलग होता है। म्यूलर वेदों के पॉलीथिज्म अर्थात बहुदेवतावाद को एक नया टाइटल भी दे देता है, कैथिनोथिज्म अर्थात विभिन्न देवताओं की सीक्वेंस में पूजा करना। इसी पुस्तक के पेज 218 पर म्यूलर कहता है, द डिक्शनरीज टेल यू दैट देवा मीन्स गॉड एंड गॉड्स। ग्रीक एंड रोमन कंसेप्ट ऑफ गॉड इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम वैदिक देवा। वैदिक देवा मेंट ओरिजिनली ब्राइट एंड नथिंग एल्स। अब कोई व्यक्ति इतना कंफ्यूजन तभी क्रिएट कर सकता है जब या तो उसे वास्तविकता में ज्ञान ही ना हो या फिर कोई झूठ चलाया जा रहा हो। पर अब भी यही लगता है कि इसमें म्यूलर की ग्रो होती हुई सोच का हाथ है, पर यह हाथ किसी और का ही है। आइए अब उसे जानते हैं। चैप्टर 4, द मिशनरी बॉस। दिसंबर 1855 में मैक्स म्यूलर ब्रिटिश एम्पायर के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिला। ये व्यक्ति यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट का हिस्सा रहा था और भारतीय एजुकेशन सिस्टम को बदलने वाला भी यही था। साथ ही यह एक प्रसिद्ध हिस्टोरियन था। नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। लाइफ एंड लेटर्स ऑफ फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर के पेज 170 पर म्यूलर का अपनी माता को लिखा एक पत्र है। यहाँ लिखा है, I made acquaintance this time in London with Macaulay and had a long conversation with him on the teaching necessary for the young men who are sent out to India. He is very clear-headed and extraordinarily eloquent. Page 171 के अनुसार मैक्स म्यूलर had to sit silent for an hour whilst the historian poured forth his diametrically opposite views. I went back to Oxford, says Max Muller, a sadder, I hope, a wiser man.
तो मैकोले ने उसे ऐसा क्या कहा होगा कि म्यूलर उदास पर समझदार हो गया। इसके लिए मैकोले का मस्तिष्क समझना पड़ेगा। 2 फरवरी 1835 के टीबी मैकोले के मिनट्स आपको indiaculture.gov.in पर मिल जाएंगे, जिसकी प्रति वहाँ नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया ने अपलोड की है। पॉइंट 9, आई हैव नो नॉलेज ऑफ संस्कृत और अरेबिक, बट आई हैव डन व्हाट आई कुड टू फॉर्म अ करेक्ट एस्टिमेट ऑफ देयर वैल्यू। आई हैव रेड ट्रांसलेशंस ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड अरेबिक एंड संस्कृत वर्क्स। I have never found one among them who could deny that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. मैकोले ये शब्द उस लिटरेचर के लिए कहता है जिसके विषय में शोपेनहावर ने कहा था, In the world, there is no study so beneficial and so elevating as that of the Upanishad. It has been solace of my life. It will be the solace of my death. अब मैकोले के मिनट्स का पॉइंट 29 पढ़िए। We must at present do our best to form a class who may interpret between us and the millions whom we govern. A class of persons, Indian in birth and color, but English in taste, opinion, in morals and intellect. तो आपको क्या लगता है, मैक्स म्यूलर को मैकोले ने क्या समझाया होगा? शायद मैकोले से मिलने के बाद म्यूलर में यदि भारतीय संस्कृति के प्रति कोई प्रेम रहा भी होगा तो वह भी समाप्त हो गया होगा। मैकोले के लेटर्स के कलेक्शन के पेज 399 पर मैकोले का अपने पिता को लिखा एक पत्र है। वो लिखता है, Our English schools are flourishing wonderfully. The effect of this education on Hindus is prodigious. No Hindu who has received English education ever remains sincerely attached to his religion. It is my firm belief that if our plans of education are followed up, there will not be a single idolater among the respectable classes in Bengal 30 years hence. तो अब तो स्पष्ट है कि मैकोले क्या था और मैक्स म्यूलर पर उसने क्या प्रभाव डाला होगा। पर क्या मैक्स म्यूलर बेचारा बस हालात का मारा स्कॉलर था या इसमें भी कोई झोल है? तो अब देखते हैं चैप्टर 5, रियल मिशनरी। भारत में मिशन स्कूलिंग का मोटिव तो प्रमाणों की एक लंबी कतार से स्पष्ट हो जाता है, पर इसमें क्लिफोर्ड का वक्तव्य भी ऐड कर लीजिए। द जर्नल ऑफ रिलीजन में डिलेमास कन्फ्रंटिंग क्रिश्चियनिटी इन इंडिया नामक क्लिफोर्ड का वक्तव्य है। वो कहता है, व्हाट आर मिशन स्कूल्स फॉर? ही मे बी स्पेसिफिक एंड से दैट द फंक्शंस ऑफ द मिशन स्कूल इन इंडिया इज टू लीड बॉयज एंड गर्ल्स टू जीसस क्राइस्ट। अब भारत के क्रिश्चियनाइजेशन के लिए भरसक काम करने के लिए बनी ऑक्सफोर्ड की बोर्डन प्रोफेसरशिप के फर्स्ट ऑक्यूपेंट एच विल्सन के गोड के पास जाने के बाद पदवी को भरने के लिए दो लोगों के मध्य इलेक्शन हुआ था, पहला मोनियर विलियम्स, दूसरा मैक्स म्यूलर। मैक्स म्यूलर ने अपनी दावेदारी का वजन बढ़ाने के लिए एक सबमिशन भी दिया था। वह बोला, Considering that without my works, a complete knowledge of the religious teachings of the Brahmins could not be acquired, and that the want of it has hitherto proved a serious bar to missionary exertions, I may perhaps be permitted to think that I have spent the principal part of my life in promoting the object of the founder of the chair of Sanskrit. अब आपको तो याद ही होगा कि बोर्डन का ऑब्जेक्ट क्या था, और म्यूलर कहता है कि उस ऑब्जेक्ट अर्थात भारत के क्रिश्चियनाइजेशन के लिए उसने अपना जीवन खपा दिया है। वह आगे बोला, आई शैल लाइकवाइज सबमिट टेस्टिमोनियल्स फ्रॉम मिशनरीज इन इंडिया एक्सप्लेनिंग द असिस्टेंस दे हैव डराइव्ड फ्रॉम माई पब्लिकेशंस इन देयर एंडेवर्स टू ओवरथ्रो द एंशिएंट सिस्टम ऑफ आइडोलेट्री स्टिल प्रेवलेंट इन दैट कंट्री एंड टू एस्टेब्लिश द ट्रुथ ऑफ क्रिश्चियनिटी अमंग द बिलीवर्स ऑफ वेदास। म्यूलर का सपोर्टर डॉक्टर पुसे अपने पत्र में उसे कहता है, वी शुड बी बेस्ट प्रमोटिंग द इंटेंशंस ऑफ द फाउंडर बाय इलेक्टिंग योरसेल्फ। मैक्स म्यूलर फिर भी यह इलेक्शन हार गया था। लाइफ एंड लेटर्स ऑफ फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर के पेज 242 के अनुसार ये हार म्यूलर के लिए एक बड़ी निराशा थी, पर शायद यह उसका अपनी पदवी बढ़ाने का ही प्रयास रहा होगा और कुछ नहीं। लाइफ एंड लेटर्स ऑफ फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर के पेज 117 के अनुसार म्यूलर ने बुनसन को लिखा था, यदि विल्सन एक मिशनरी दृष्टिकोण से लिखता है और वेदों को सामने लाता है तो भारतीय व्यवस्था हिल जाएगी और यह बहुत रोचक होगा। ड्यूक ऑफ एर्गाइल को लिखे पत्र में म्यूलर ने कहा, इंडिया हैज बीन कंकर्ड वंस बट इंडिया मस्ट बी कंकर्ड अगेन एंड द सेकंड कंक्वेस्ट मस्ट बी द कंक्वेस्ट बाय एजुकेशन। पेज 191 पर वह लिखता है, इंडिया इज मच राइपर फॉर क्रिश्चियनिटी देन रोम और ग्रीस वर एट द टाइम ऑफ सेंट पॉल। द रोटन ट्री हैज फॉर सम टाइम हैड आर्टिफिशियल सपोर्ट्स बिकॉज इट्स फॉल वुड हैव बीन इनकन्वीनियंट फॉर द गवर्नमेंट, बट इफ द इंग्लिशमैन कम्स टू सी दैट द ट्री मस्ट फॉल सूनर और लेटर देन द थिंग इज डन एंड ही विल माइंड नो सेक्रीफाइस ईदर ऑफ ब्लड
ओर ऑफ लैंड फॉर द गुड ऑफ द स्ट्रगल आई शुड लाइक टू ले डाउन माई लाइफ और एट लीस्ट टू लैंड माई हैंड टू ब्रिंग अबाउट द स्ट्रगल। स्पष्ट है म्यूलर क्रिश्चियनिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देना चाहता था। वह आगे कहता है आई शुड लाइक टू लिव फॉर 10 years quite quietly and learn the language, try to make friends and then see whether I was fit to take part in a work by means of which the old mischief of Indian priestcraft could be overthrown and the way opened for the entrance of simple Christian teaching, that entrance which this teaching finds into every human heart. Whatever finds root in India soon overshadows the whole of Asia, and nowhere could the vital power of Christianity more gloriously realize itself than if the world saw it spring up there for a second time in a very different form from that in the West, but still essentially the same. अपनी पत्नी को लिखे पत्र में वह कहता है, वेद भारतीयों के धर्म की जड़ है। इस जड़ को दिखाना एकमात्र रास्ता है जिससे वह सब उखाड़ा जा सकता है जो पिछले 3000 वर्ष में पनपा है। फिर भी कई लोग आज तक इस भ्रम में हैं कि म्यूलर वेदों से प्रेम करता था। इतना ही नहीं, मैक्स म्यूलर भारतीय व्यक्तियों जिनका समाज पर प्रभाव पड़ सकता था उन्हें ईसाई बनाने के लिए भरसक प्रयास करता था। उदाहरण के लिए पेज 415 पर रिकॉर्डेड म्यूलर का मजूमदार को लिखा पत्र है जिसमें वह कहता है, टेल मी सम ऑफ योर चीफ डिफिकल्टीज दैट प्रिवेंट यू एंड योर कंट्रीमैन फ्रॉम ओपनली फॉलोइंग क्राइस्ट, आई शैल डू माई बेस्ट टू एक्सप्लेन। क्या अब आपको म्यूलर के विषय में कोई संदेह है? पर रुकिए, जरा पश्चिम के संस्कृत के सबसे बड़े स्कॉलर की बिसात तो जान लीजिए। चैप्टर 6, स्टूपिड स्कॉलर। मैक्स म्यूलर की बुक लेक्चर्स ऑन द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ रिलीजन के पेज 147 पर लिखा है, लैंग्वेज ऑफ वैदिक लिटरेचर डिफर्स फ्रॉम द ऑर्डिनरी संस्कृत। अर्थात म्यूलर जानता था कि लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत भिन्न है, पर मैक्स म्यूलर को वैदिक संस्कृत तो छोड़िए लौकिक संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान नहीं था। कंटेम्प्ररी इंडियन फिलोसफी के पेज 52 पर 1897 में स्वामी विवेकानंद के साथी अभेदानंद का लेख है। आइए पढ़ते हैं। When I was in London, Swami Vivekananda took me to meet Professor Max Müller and Professor Paul Deussen of Kiel University. I had conversations with them in Sanskrit, but Professor Max Müller could neither speak in Sanskrit nor understand Sanskrit words when spoken, because, as he said, his ears and tongue were not trained in the sounds of Sanskrit utterances. तो एक ऐसी भाषा जिसमें सबसे अधिक महत्व उच्चारण का ही है, जहाँ उच्चारण बदलने पर अर्थ का अनर्थ हो सकता है, उस भाषा का यूरोप का सबसे बड़ा ज्ञाता यह कहता है वह संस्कृत सुनके समझने और बोलने में अक्षम है क्योंकि उसके कान और जिह्वा तैयार नहीं है। और इस घटना के समय मैक्स म्यूलर की आयु 70 वर्ष से अधिक थी, जबकि वेदों के ट्रांसलेशन के लिए ब्रिटिशर्स ने जब उसे नियुक्त किया तब उसकी आयु केवल 24 वर्ष थी। तो क्या मुझे कुछ और कहने की आवश्यकता है? और हाँ, आप चिंता ना करें क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।